आर द ओनली एडवोकेट मंगोलियर बेंच हु हैज डन पीएचडी, आई होल्ड यू इन हाई रिस्पेक्ट। और मैं जब किसी को इतनी इज्जत देता हूँ तो उससे मैं बहुत एक पर्टिकुलर लेवल की बहस चाहता हूँ। उसमें आप ऐसी जान फूकिए कि दिमाग बदले हम लोगों का, इसको मैं उस धरातल पर ले जाऊँ जहाँ पर एकदम जुरिसप्रूडेंस क्रिमिनल लॉ का टच कर रहा हो। सर जी, सर ऐसी बहस आप बताएं हमको। जी सर, FIR किसने लिखाई? तो मर गई थी। वात्सल नाम है उनका, इतने सौ में विचार के होंगे, नाम ही वात्सल है। इतनी सुंदर रिपोर्ट लिखी होगी उन्होंने। नहीं नहीं, ऑफेंस 302 का है सर। रेड विद सोल अक्यूज्ड बीवी को मारा है? नहीं 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 सर, पड़ोसी के साथ एलिगेशन लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें सर गवाह सारे होस्टाइल हैं। वो तो होंगे ही भाई, तो घटना ही नहीं घटी होगी। चलिए पैरा थ्री पढ़िए। पैरा थ्री, संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है। दिनांक 26/11/2016 को मृतका भूरीबाई अपने घर की छत पर छप्पर के नीचे खाना बना रही थी। उसका पति दौलत राम आशा पेशाब करने गया था एवं सास कलावती घास लेने गई थी। उसी समय मृतका के परिवार का आरोपी महेंद्र ऊपर आ गया और बुरी नीयत से मृतका का हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगा। मृतका द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने चूल्हे के पास रखी मिट्टी के तेल की सीसी से में से मृतका के सिर पर तेल डालकर जान से मारने की नीयत से चूल्हे की जलती लकड़ी से आग लगा दी, जिससे मृतका के सिर मुंह पेट व हाथों में आग लग गई। मृतका के चिल्लाने पर उसके पति दौलत राम आशा एक ने आकर आग बुझाई। उस समय गांव के अन्य लोग भी आ गए थे। उसके बाद मृतका का जेठ लक्ष्मण, आशा साथ जिठानी पिस्ता उसे इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस लेकर ग्वालियर आए। जेएच अस्पताल में मृतका द्वारा लिखाई गई उक्त आशय की रिपोर्ट पर देहाती नालसी प्रदर्श P16 लेख की गई है और उसके आधार पर थाना मोहना जिला ग्वालियर में आरोपी के विरुद्ध अपराध 189 ऑफ 2017 अंतर्गत धारा 354-307 वादासा पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P15 लेखबद्ध कराई गई। घटना 26/11/2016 को ही जेएच अस्पताल में प्रदर्श P16। हाँ डॉक्टर साहब बताएं। सर ये PW4 का बयान पढ़ लें सर। इसको डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में क्या कहते? डाइंग डिक्लेरेशन पे ही आता हूँ सर। इसको हॉस्पिटल ग्वालियर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टर वात्सल ने इसका MLC की वो श्रीमान देखना चाहता हूँ। इसके बाद श्रीमान डाइंग डिक्लेरेशन है। डॉक्टर साहब हम आपको, यू आर द ओनली एडवोकेट मंगोलियर बेंच हु हैज डन PhD, इसलिए मैं आपको, आई होल्ड यू इन हाई रिस्पेक्ट। सर मैं केवल दो ही चीज़ पढ़ूंगा। तो मैं जब किसी को इतनी इज्जत देता हूँ तो उससे मैं बहुत एक पर्टिकुलर लेवल की बहस चाहता हूँ। कुछ उसमें आप ऐसी जान फूकिए कि दिमाग बदले हम लोगों का। नहीं 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 सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ बताएं कि इसको मैं उस धरातल पर ले जाऊँ जहाँ पर एकदम जुरिसप्रूडेंस क्रिमिनल लॉ का टच कर रहा हो। सर जी, सर ऐसी बहस आप बताएं हमको। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अटेंशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट PW4। डॉक्टर वात्सल ने, डॉक्टर बाद में, पहले FIR किसने लिखाई? FIR पहले तो ये सर मर्ग का जांच हुई। FIR किसने लिखाई? ये उस FIR तो सर इसी ने लिखाई। किसने? मृतका ने। तो मर गई थी? नहीं नहीं, अभी मरी नहीं है सर। हाँ अभी जीवित है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ उसके 6 दिन बाद मरी है। अच्छा, FIR उसी ने लिखाई है? उसी ने लिखाई सर। ये तो बाजी मुकदमा है। जांच पर से जो है FIR लिखाई मृतिका ने, FIR फिर हुआ डाइंग डिक्लेरेशन। जी सर, तो बचा क्या इसमें? ये सर FIR में फरियादी के रूप में भूरीबाई मृतका का नाम लिखा है, लेकिन जांच पर से सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा ने FIR लिखाई है। मतलब FIR जिस वक्त लिखी गई है तब भूरीबाई जिंदा थी कि नहीं?
भूरी भाई उस समय जीवित थी। तो साइन तो किया होगा भूरी भाई ने। भूरी भाई ने नहीं साइन नहीं किया है उस समय, फरियादी ये बने हैं सहायक उप निरीक्षक सुरेश शर्मा सर। FIR में भूरी भाई साइन नहीं है? नहीं नहीं देहाती नालसी जो है भूरी भाई की है। हाँ तो देहाती नालसी मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सर, डीडी और देहाती नालसी और डॉक्टर। अब डीडी और देहाती नालसी के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर कुछ भी लिखे उसका कितना महत्व होगा? सर वात्सल जो डॉक्टर हैं पीडब्ल्यू फोर वो ये कहते हैं कि वात्सल, वात्सल नाम है उनका, वात्सल नाम है डॉक्टर साहब का नाम है सर। कितने सौम्य में विचार के होंगे वो, नाम ही वात्सल है डॉक्टर वात्सल त्रिवेदी। कितनी सुंदर रिपोर्ट लिखी होगी उन्होंने। नहीं नहीं रिपोर्ट नहीं है सर, उन्होंने एमएलसी किया और ये कहा गया कि वो स्थिति बोलने की स्थिति में ही नहीं है। नहीं थी वो। दो बजे की घटना है, 3:10 पर ये ग्वालियर ले आए घटना से और इनको भर्ती करा दिया। वात्सल है कहाँ आजकल? नौकरी में है कि नहीं? सर ये तो मालूम नहीं है, पता कर लेना। एक आध दिन रुकर निकलवाता हूँ टर्मिनेशन आर्डर पर। ये बेईमानी की रिपोर्ट जो होती है सर, अगर इसका डीडी भी देखे तो ये ट्रू नहीं है। सर ये गांव की महिला है और वो साइकोट्रिक्स भी है। और आपको पता है गांव की महिला कितनी तंदुरुस्त होती है? बिल्कुल ठीक है, मानसिक शारीरिक दोनों रूप से। मैं सर पहली लाइन पढ़ रहा हूँ डीडी का। इतना होने के बावजूद ही महिला इतना बोल पाई, उसकी बहादुरी है ये। सर मैं डीडी का पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। नालायक बोलता, बोलने की स्थिति में नहीं थी वो। सर डीडी की पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं JH हॉस्पिटल वर्न यूनिट में भर्ती दौरान कथन करती हूँ। और क्या लिखा है सर? वर्न यूनिट में ये JH हॉस्पिटल भी बता रही है और बर्न यूनिट भी बता रही है। बर्न यूनिट मींस ये साधारण आदमी जिसको चोटें लगी हो, अनकॉन्शियस बता रहा है डॉक्टर जब भर्ती कर रहे हैं, और 10-1 घंटे के बाद वो उसका DD लिया जा रहा है। इसके बाद सारी रिपोर्टें बिल्कुल मरीज कथन देने के योग्य नहीं है और पुअर प्रोग्नोसिस है सारी जो है रिपोर्टों में टिल दी डेथ। केवल उतने देर के लिए होश में आई है सर, और ऐसा कोई ऐसा इलाज नहीं किया गया है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डाइंग डिक्लेरेशन। जो उसकी जो लैंग्वेज है सर वो उसको देखें श्रीमान, न तो उसका कोई BP लिया गया, न ही कोई जांच की गई डॉक्टर साहब के द्वारा। ये डॉक्टर साहब ने एडमिट किया है सर। एक काम करो, डॉक्टर को पेश कर दो हमारे सामने, सारी एविडेंस एक ताक पे रख करके हम डॉक्टर के एविडेंस पे झंडा फहरा दें। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। सॉरी सर। सर मई में लगा दें सर। डिसमिस, मई में नहीं, आर्डर चाहिए कि विड्रॉ करना है। विड्रॉ, सीरियल नंबर 9।